औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर टीम एसओजी टीम व दिव्यापुर पुलिस ने फर्जी बैंक खोलकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया। फर्जी बैंक खोलकर जनता के करोड़ों डकारने व बैंक में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था। दिव्यापुर, जालून, मैनपुरी आदि जनपदों में संचालित फर्जी बैंक ब्रांच की जा रही थी। फर्जी बैंक खोलकर वो वेबसाइट बनाकर भोले भाले लोगों को भरोसा दिलाकर ठगी की जाती थी। डिजिटल आर्यव्रत निधि लिमिटेड बैंक नाम से संचालित फर्जी बैंक ब्रांच थी। पुलिस अधीक्षक और यह चारू निगम ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। गिरोह का मास्टरमाइंड अद्वित उर्फ लल्लू यादव व उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी ठगों से भारी संख्या में फर्जी पासबुक, ATM, प्रिंटर मशीन, लैपटॉप, फर्जी मोहर आदि बरामद किए। कुछ दिन पहले औरैया पुलिस को कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने आके बताया कि उन्हें बैंक में नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया, फिर उन्हें बैंक में नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग दी गई, उनके कई लोगों को और बुलवाकर पैसा इकट्ठा करके कई ब्रांचेस खोली गई। और उसके बाद जब वो ब्रांच कई महीनों तक कुछ लोगों से पैसे लेकर FD, RD, सेविंग बैंक, इन सब के नाम से पैसा इकट्ठा करती रही, वो किसी बैंक के किसी खाते में नहीं गए। और उनको जो ये मास्टरमाइंड है जिन्होंने ये बैंक खोला है डिजिटल आर्यव्रत नाम का, इसमें एक खाता बनाया लेकिन उसमें कोई भी पैसा नहीं डाला, अपने व्यक्तिगत खाते में वो पैसा डाल लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक निधि कंपनी खोलने से आप ये सब फिनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं, परंतु कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये जब रजिस्टर किया जाता है कोई निधि कंपनी, तो आप उस कंपनी को रजिस्टर करके उसके अकाउंट में जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ की परमिशन लेते हैं, जैसे RD करना, FD करना, उसको इन्वेस्ट करना, ताकि इन्वेस्टर्स की जो पैसे हैं उनको बढ़ाकर जो भी इंटरेस्ट रेट उस पर आता है वो किया जा सके, परंतु इन्होंने उसमें पैसा ना डाल के अपने व्यक्तिगत अकाउंट में अपनी वाइफ के, अपने भाभी के, जो इन्होंने रजिस्टर किया ये कथित तौर पे, उनके नाम पे किया। और जो लोग इसमें पैसा लगाते गए वो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, एक एक ब्रांच 5-5, 6-6 लोगों के द्वारा 1.5 लाख, 1-1 लाख रुपये इकट्ठे करके खोली गई। जनपद औरैया में इन लोगों ने 5 ब्रांचें खोली थी, जिसमें एक एक व्यक्ति को बताया कि आप 5-6 लोगों को ले आइए, 5-6 लोगों की एक ब्रांच खोली गई, जिसमें 7-8 लाख इकट्ठे करके कोई कमरा रेंट पर लिया, उसमें पूरा प्रॉपर फर्नीचर जैसे बैंक का होता है, कैशियर का रूम बनाया और बैंकिंग मैनेजर का रूम बनाया। लोगों को पूर्णतः इन्होंने फ्रॉड करके, आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐप भी बनवाई और बैंकिंग सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करा, जो कि अभी ऐप भी चलती है। और इसमें ये लगातार लोगों से कैश डिपॉजिट लेते रहे जो RDFD के नाम पे है, और इनको कहीं पे भी ना इन्वेस्ट किया, ना जो लोग जिन्होंने पैसे लगाए कि अब इनको बैंक में नौकरी मिल गया, उनको सैलरी भी नहीं दी। तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लोगों से पैसा इकट्ठे करते रहे और इसी प्रकार से जो है लोगों के साथ फ्रॉड किया। लगभग 50-60 लाख रुपए इनके पूछताछ में आए हैं, बाकी अभी विवेचना के क्रम में कितने पैसे इन्होंने ट्रांसफर किए, कितने लोगों को लू बनाया, कई लिस्टें प्राप्त हुई हैं कई के ब्रांच की, एक एक ब्रांच में